Hey guys, प्रियंका लक्स ब्यूटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रियंका। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ डबल कट क्रीज आई मेकअप लुक। जी हाँ गाइज, अगर आपकी वेडिंग होने वाली है, आप ब्राइडल्स हैं या फिर आप किसी का मेकअप करती हैं, आप ब्राइडल्स का मेकअप करती हैं, तो आपके लिए ये लुक सबसे बेस्ट लुक होने वाला है। सो गाइज, ये डबल कट क्रीज लुक बहुत 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 ही ज़्यादा इस टाइम ट्रेंड में है और ये एक रिक्रिएटिंग लुक है। आज मैंने ये लुक रिक्रिएट किया है। सो गाइज, ये लुक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज चलिए अब हम सीख लेते हैं कि हमने ये लुक किस तरह से रिक्रिएट किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सीटम कर लिया है, देन मैंने यहाँ पे प्राइमर को लगा लिया है। प्राइमर लगाने के बाद गाइस, मैं अपनी आईब्रो को काफ़ी अच्छी तरीके से फिल करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे जेल लाइनर से ब्लैक आई शेडो लिया है एंड एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से काफ़ी अच्छी तरीके से मैं उसको फिल करूँगी। सो आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम अपनी आईब्रो को फिल कर लेंगे। और गाइस, हमें छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान देना है, इनके कॉर्नर्स का ध्यान देना है। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया हुआ है और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे इन्हेंस करूँगी अपने आईब्रो को। अगर आपके पास आई प्राइमर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास आई प्राइमर नहीं है तो आप कंसीलर का भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरह से हम कंसीलर का यूज़ करेंगे, इसे हमारी आईब्रो काफ़ी शार्प और बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं, नीट एंड क्लीन सी लगती हैं। सो नेक्स्ट गाइस, मैंने यहाँ पे आज लैक्मे का कॉम्पैक्ट लिया है एंड एक ब्रश की हेल्प से मैं अपने बेस को काफ़ी अच्छी तरीके से सेट करूँगी, क्योंकि अगर हम सेट नहीं करेंगे तो हमारा बेस बहुत ही जल्दी केकी हो जाएगा। सो गाइस, मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन शेड के लिए डार्क ब्राउन कलर लिया हुआ है। सो गाइस, ये कलर हमारे स्किन टोन से 3 शेड डार्कर है। सो हम इसको कम क्वांटिटी में लेते हुए अपनी क्रीज लाइन पे काफ़ी अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं इसकी ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क कलर है। सो नेक्स्ट गाइस, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है रेडिश कलर है ये। मैं इस कलर को काफ़ी अच्छी तरीके से अपने क्रीज लाइन पे डिफाइन करूँगी और मैंने यहाँ पे एक छोटा फ्लैट ब्रश लिया है और अपनी क्रीज लाइन पे काफ़ी अच्छी तरीके से इस कलर को मैं लगाऊंगी। सो आप देख सकते हैं, मैं इसको काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। सो इसी तरीके से आपको भी ब्लेंड करना है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया हुआ है गाइस, और इस ब्लैक कलर को मैं अपनी क्रीज लाइन के ऊपर डिफाइन करूँगी। सो अपने क्रीज लाइन को डिफाइन करते हुए मैं इसको आउटर कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर की तरफ जाऊंगी और काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी। गाइस, क्या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हैं गाइस, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब करिए एंड मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी आप क्या सोच रहे हैं, जल्दी से जाइए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया ओलिविया का कंसीलर और ये 007 नंबर है, और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से सबसे पहले मैं इसको काफ़ी अच्छी तरीके से अपने लिड पे लगा लूँगी एंड देन मैं ऊपर की ओर देखूँगी। और जैसे ही आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही ऊपर की ओर देखा, ये हमारी लिड पे कट क्रीज आईज की जितनी भी लेंथ होती है वहाँ तक ये जा चुका है। सो आप देख सकते हैं, इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और सारी एचेस को हम मिला देंगे, सारी लाइन्स को हम मिला देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा कट बनके रेडी हो जाता है। सो मैंने यहाँ पे टेप को रिमूव कर दिया है, क्योंकि आज हम यहाँ पे डबल कट क्रीज लुक करने वाले हैं, जो कि हमारा आज आउटर वी के साइड पर ये आएगा। आज हम ये फुल कट क्रीज कर रहे हैं, आज हम फुल कट क्रीज करेंगे और इसी पे मैं आज आपको डबल कट क्रीज बताऊंगी। फुल कट क्रीज करने के लिए गाइस, हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी तरीके से करनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन तरीके से वर्क करना चाहिए। सो गाइज, आप देख सकते हैं इसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया है और देन मैं इसको अब कॉम्पैक्ट की हेल्प से काफ़ी अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी, ताकि इस पर क्रीज लाइन ना पड़े। सो गाइज, आप देख सकते हैं इस तरीके से हम कर लेंगे।
और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से डार्क ब्राउन कलर लिया है और उसको मैं अपने आउटर साइड पे कट क्रीज लाइन के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना नजर आए और जो भी हमने कट किया है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उभर के आए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे शैम्पियन शेड लिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं, तो शैम्पियन शेड को मैं सेंटर ऑफ द लिड इनर वी से लेके सेंटर ऑफ द लिड तक इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करूँगी, काफ़ी अच्छे से इसको प्लेस करूँगी। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको काफी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है और हमारे मेकअप को में चार चांद लगा देता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये लुक आता है। नेक्स्ट मैंने गाइस यहाँ पे ब्लैक आई शेडो लिया हुआ है और अब मैं यहाँ पे डबल कट करूंगी, इसके लिए मैंने एक एंगुलर ब्रश लिया हुआ है और आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ करना है। थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है बट अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको करेंगे और बीच में एक पतली सी लाइन को छोड़ देंगे और आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको अपने आउटर वी पे एक वी बनाएंगे, जैसे हम विंग लाइनर बनाते हैं उसी तरीके से। और मैंने लाइनर ब्रश लिया है और अब मैं यहाँ पर जेल लाइनर लेके इसको काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूँ। डबल कट क्रीज में गाइस हमें क्लीनिंग की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है, एक एक पॉइंट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से नीट तरीके से वर्क करना होता है। सो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से हम करेंगे और इसको हम आउटर वी तक ही रखेंगे, सेंटर तक नहीं ले जाएंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रेडिश शेड लिया हुआ है सो आप देख सकते हैं, और उसको मैं अपने रेड एंड शैम्पियन शेड के बीच में रख के इसको काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड करूंगी। इसकी ब्लेंडिंग हमें काफ़ी अच्छी तरीके से करनी है। सो गाइस आप देख सकते हैं सो इसकी ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। सो आप देख सकते हैं मैं इसको फिंगर की हेल्प से डैब डैब करते हुए इसको जितना भी एक्सेस जो हमारी डस्ट होती है उसको मैं रिमूव कर रही हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो चुका है। सो आप देख सकते हैं सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ब्रश पे थोड़ा सा फेस स्प्रे को लगाया हुआ है और अब मैं यहाँ पे इन कलर का डस्ट फॉर्म का ग्लिटर ले रही हूँ और शैम्पियन सेट के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से इसको प्लेस कर रही हूँ। गाइस बहुत ही डस्ट फॉर्म का ये ग्लिटर बहुत अच्छा है और इसको लगाते ही इस लुक को मैं क्या बताऊँ, बहुत ब्यूटीफुल ये लुक लगने लगा था। सो मैंने यहाँ पे आज मैं आपको बताऊँगी अगर आपके पास लिक्विड ग्लिटर नहीं है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर प्राइमर लिया है, प्राइमर ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए मैंने लिया है, एंड आप कोई भी डस्ट फॉर्म का ग्लिटर ले लीजिए और इसको मैं इसके बीच में फिल करूँगी। सो आप देख सकते हैं एक ब्रश की हेल्प से जो भी डबल कट क्रीज के बीच की लाइन है मैं वहाँ पे फिल करूँगी। सो मैंने यहाँ पे लिक्विड ग्लिटर बनाया है। सो आप देख सकते हैं ये एक हैक है, आप भी इस तरीके से लिक्विड ग्लिटर बना सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सा बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा चमकी नहीं है, ब्यूटीफुल है और बहुत ही इजी वे में ये हमारी स्किन पे लग भी जा रहा है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से हम इसको लगाएंगे। सो इस लुक को क्रिएट करने में मुझे काफ़ी समय लगा था बट रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। देन मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर लिया हुआ है, इसको मैं अपने ब्रो बोन एंड टीयर डक्ट एरिया पे इसको अप्लाई करूँगी। सो आप देख सकते हैं ब्रो बोन एरिया एंड टीयर डक्ट एरिया पे मैं इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करूँगी। सो नेक्स्ट गाइस मैंने यहाँ पे लाइनर लिया हुआ है, जेल लाइनर है ये, और इसको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से अपने लिड पे लगाऊंगी। थोड़ा सा मोटा लाइनर अगर हम लगाएंगे ब्राइड्स पे तो बाद में जब हम
आई लेसेस लगाते हैं तो हमें दोबारा लगाने की नीड नहीं होती। अगर हम पतला लाइनर लगाएंगे तो जब हम आई लेसेस लगाएंगे तो हमें दोबारा लाइनर लगाने की नीड हो जाती है। तो अगर हम थोड़ा सा मोटा लेके चलेंगे लाइनर को तो हमें दोबारा लाइनर लगाने की नीड नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे हल्का मोटा सा ही विंग लाइनर क्रिएट करूँगी और ये लाइनर मैंने हल्का मोटा ही रखा है क्योंकि मैं इसके बाद आई लेसेस जब अप्लाई करूँगी तब ये मुझे दोबारा लगाने की नीड ना हो, क्योंकि जब हम मेकअप खुद का करते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। सो मैंने यहाँ पे रेडिश कलर लिया हुआ है और उसको मैं वाटर लाइन के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम अप्लाई कर लेंगे। देन गाइस मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का आई शेडो ले रही हूँ और उसको मैं अपनी वाटर लाइन पे काफ़ी अच्छी तरीके से फिल करूँगी। आप काजल भी लगा सकते हैं। सो गाइस अब मैंने यहाँ पे स्केच लाइनर लिया है एंड उसकी हेल्प से मैं अपनी वाटर लाइन के नीचे एक लाइन बनाऊंगी। जो भी ब्लैक कलर लगाया है उससे मर्ज करते हुए एक मैं लाइन क्रिएट करूंगी। इससे हमारा जो काजल होगा वो काफ़ी मोटा और काफ़ी ब्यूटीफुल दिखेगा और हमारी जो आईज होंगी वो काफ़ी बड़ी लगेंगी। सो मैं यहाँ पे एक इनर पे विंग लाइनर बना रही हूँ, छोटा विंग लाइनर बनाऊंगी। और अब मैंने आईलैश कर्लर लिया हुआ है और इसकी हेल्प से मैं अपनी आईलैश को कर्ल कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने अपनी आईलैशेस को कर्ल किया है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा लिया हुआ है और अपनी आईलैशेस पे काफ़ी अच्छी तरीके से मैं लगा रही हूँ। सो आप देख सकते हैं इसको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से लगा रही हूँ। और अपनी अब मैं लोअर लैश लाइन पे भी इसको अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी की आई लेसेस ली हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं है, आप चाहें तो हैवी लेसेस भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं फाइनल लुक। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके गाइस ज़रूर बताइएगा आपको ये लुक कैसा लगा। आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। गाइस अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।